हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारी एक नई हॉरर स्टोरी में स्वागत है। तो चलिए नई हॉरर स्टोरी शुरुआत करते हैं। सालों पहले की बात है, एक लड़का किसी कंपनी में मैनेजर था। उसके साथ कभी कोई भूत की कुछ डरावनी बातें किया करते थे तो उसे डर नहीं लगता था। उसका कहना था कि भूत जैसा कुछ भी नहीं होता है, यह सब लोगों के दिमाग का खाली वहम होता है। एक दिन ऑफिस में ज़्यादा काम था, जिस वजह से वो घर रात को लौट रहा था। बाइक से आराम से रास्ते को घर जाते जाते अचानक एक सुनसान सड़क पर उसकी बाइक खराब हो जाती है। रात का समय था, कोई गाड़ी ठीक करने वाला नहीं मिलेगा। सोचते हुए वो अपनी बाइक को खींचते हुए पैदल चलने लगता है। थोड़ी दूर पहुंचता है कि उसे एक बस स्टॉप के पास कोई फकीर बैठा हुआ दिखाई देता है। काफी देर से बाइक खींच रहे लड़के ने भी सोचा, क्यों ना थोड़ी देर इधर ही इंतजार कर लेता हूँ। वो सीधे फकीर के पास चला गया और बैठकर उससे बातें करने लगता है। दोनों के बीच करीब 10 मिनट तक बात हुई है और उसी वक्त भूतों का जिक्र भी हो जाता है। हंसते हुए लड़के ने कहा कि भूत जैसा कुछ भी नहीं होता है और ना ही मैं इन्हें मानता हूँ, सारी झूठी और वहम वाली बातें हैं। फकीर ने लड़के की तरह देखा और हैरान रह गया और बोला, तुम भूत को नहीं मानते हो, वो एक अलग बात है। अगर तुम ऐसा कहोगे कि भूत होते ही नहीं हैं, तो यह सारांश गलत है। लड़का फिर हंसा और पूछने लगा कि भूत होते हैं क्या, तो दिखते क्यों नहीं हैं? क्या आपने कभी भूत देखा है? क्या आप मुझे भूत दिखाएंगे? एक भी भूत दिखा दीजिए। फकीर के मन में हुआ कि इसे आज भूत दिखा ही देता हूँ। उसने लड़के को अपने पीछे चलने को कहा और आगे सुनसान की ओर बढ़ गया। सुनसान रास्ते में दोनों पैदल चल रहे थे। अब लड़के को थोड़ा डर लगने लगा, लेकिन हिम्मत करते हुए वो आगे बढ़ा। कुछ ही देर में दोनों शमशान पहुंचते हैं। वहां कई मुर्दा चल रहे थे। फकीर ने उस लड़के को एक जगह पर बैठाया और कहा कि यहां कुछ देर पहले ही एक लाश जली थी, अब तुम्हें मैं यहां भूत दिखाऊंगा। फकीर ने फटाफट वहां पर कील गाड़कर एक धागा बांध दिया। अब धागे पर आखिरी हिस्सा उस लड़के के हाथ में थमाते हुए कहा, धागे की सीध में मैं 4 बतासे रखे हैं, इन्हें खाने के लिए 4 आत्माएं आएंगी। जब तक आत्मा इन बतासों को पूरा ना खा ले, तब तक तुम इस धागे को बिल्कुल भी मत छोड़ना, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। इतना कहकर फकीर ने लड़के को आंखें बंद करने के लिए कहा और खुद मंत्र पढ़ने लगा। लड़के को फकीर की बातें सुनकर थोड़ा डर लगने लगता है, लेकिन वो धागे को तेजी से पकड़कर आंखें बंद करते हुए बैठ गया। कुछ देर मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने उसे आंखें खोलने के लिए आवाज लगाई। लड़के ने जैसे ही आंखें खोली तो सामने 4 आत्माएं बतासे खा रही थी। उसे इस सब पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी उसकी नज़र एक आत्मा पर पड़ी। वो कोई और नहीं थी बल्कि उसका पड़ोसी था, जिसकी मौत 2 दिन पहले हुई थी। उसे देखते ही लड़के के हाथ से वो सफ़ेद धागा छूट गया। उसने घबराहट में आसपास उस फकीर को देखा, लेकिन वो मंत्र पढ़कर जा चुका था। अब डर के मारे वो तेजी से अपने घर की ओर दौड़ने लगता है। इस दौरान उसे कोई बार बार उसका नाम लेकर पीछे से आवाज़ दे रहा था, लेकिन वो मुड़ा नहीं। इसी तरह से वो घर पहुंच जाता है और डरते डरते ही सुबह हो गई है। सुबह सबसे पहले उसने शमशान की
घटना के बारे में अपने माँ बाप को बताया और सोने के लिए कमरे में चला गया। कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुली तो वो शमशान में ही था। वो कैसे दोबारा शमशान घाट पहुंच गया किसी को नहीं पता था, लेकिन उसी दिन से लड़के की तबीयत दिमागी रूप से खराब रहने लगी थी। कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इंसान को साहसी होना चाहिए, लेकिन दुर्साहसी होना एक मूर्खता है, इसलिए हमारे अंदर साहस होना चाहिए। दोस्तों, आपकी राय क्या है? आप लोग भूत को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जो लोग मानते हैं वो कमेंट करें, और जो लोग नहीं मानते हैं वो भी लोग कमेंट करें। देखते हैं कितने लोग आज भूत को मानते हैं और नहीं मानते हैं। तब तक के मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।